क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा, आपका नाम, आपका शोहरत, आपकी गाड़ी, ये सारी चीजें परमेश्वर को इंप्रेस नहीं करती हैं? आप शायद नहीं जानते, ये सारी चीजें परमेश्वर को इंप्रेस नहीं करती हैं। परमेश्वर उसकी तरफ देखता भी नहीं है। जिन चीजों के लिए आप लगे रहते हैं, उन चीजों के लिए परमेश्वर के मन में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर किन चीजों को आपके जीवन में देखता है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। परमेश्वर कैसे आपको देखता है, आज मैं ये आपको बताने वाला हूं। परमेश्वर किन वजह से आपको आंखता है, मैं आपको यह बताने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे परमेश्वर के सामने हमको खड़ा होना है, हमको कैसे परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, मैं आज आपको यह बताने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ना एक दिन 80-90 साल के बाद वो दिन आएगा जब आप और मुझको परमेश्वर के सामने जाना होगा। आमीन। कोई उससे बचेगा नहीं। आप ये समझे कि आप बच जाएंगे अपनी उम्र के 70-80 साल निकालने के बाद, आप सोचेंगे आप मर जाएंगे और सब कुछ नहीं। इंसान के लिए मरने के बाद न्याय है, जाना पड़ेगा आपको न्याय के लिए, उस सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तब वो आपसे पूछेगा कि आपके लिए क्या जरूरत था और क्या जरूरत नहीं था। तब आपको महसूस होगा कि यार जिंदगी भर मैं जिसके पीछे भाग रहा था, जिन चीजों के पीछे मैं भाग रहा था, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप खुद सोचिए, आप जब रोटी खा लेते हैं तो क्या उसकी वैल्यू होती है उस समय तक? यहां से यहां निकली एक रोटी, उसकी वैल्यू खत्म, उसका टेस्ट खत्म। क्या उन दोबारा रोटियों को अगर आप बाहर लाएंगे आप रह सकते हैं? आप सोचिए, जिन चीजों के लिए आप पाप कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, उन चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उन चीजों की। लेकिन हमारा सुबह से शाम तक दिमाग उसी चीजों में लगा रहता है। हम आज अय्यूब के जीवन से सीखेंगे, रूथ के जीवन से सीखेंगे आज हम। प्रेज़ द लॉर्ड। जब शैतान परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने कहा, तुमने देखा है मेरा इस संसार में मेरा बेटा, मेरा चेला अय्यूब, जो कि कौन है? देखिए परमेश्वर की नजर में अय्यूब क्या है, पढ़िए अय्यूब 1:8 पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आमीन। उस जैसा सीधा, खरा, मेरा भय मानने वाला, भलाई करने वाला, उससे बड़ा और कोई नहीं है। और उससे पहले दूसरा वचन देखिए, दूसरा वचन, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। क्या क्या था देखा अय्यूब के पास? देखिए अय्यूब के पास क्या था और परमेश्वर ने क्या देखा? अय्यूब के पास क्या था बेटा, बोलिए? उसके 7,000 भेड़ बकरियां। उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां। उस समय एक आदमी धर्मी, एक आदमी धनी कब गिना जाता था? अपने जानवरों की तादाद से। तो उसके पास कितना था? 7,000 भेड़े थी, 7,000 भेड़े बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत ही दास दासियां थीं। उसके वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वो सबसे बड़ा था। क्या था वो? क्या था वो? उस समय का सबसे बड़ा, यानी कि मुकेश अंबानी था वो उस समय का। आज का मुकेश अंबानी उस समय था अय्यूब, इतना महान था वो, खरा नहीं था। आप, मैं पैसे की बात कर रहा हूं अय्यूब से, अगर आप तुलना कर रहे हैं मुकेश अंबानी की, वैसे खरा था अय्यूब।
लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा, इसका आठवां पढ़िए, वो क्या बता रहा शैतान को परमेश्वर के अय्यूब कैसा है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसकी तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर की नजर में उसके धन की, उसकी भेड़ बकरियों की वैल्यू नहीं है। उसने शैतान से ये नहीं कहा कि 7,000 भेड़े हैं उसकी, 500 बैल हैं, अरे पूर्वियों में सबसे बड़ा इंसान है अय्यूब। नहीं, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है। परमेश्वर ने कहा है उस जैसा सीधा, उस जैसा खरा, यानी कि परमेश्वर के लिए आपके स्वभाव की वैल्यू है, आपकी आत्मा की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं है। इसलिए बारहवां क्या कहता है, बारहवां, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। जो कुछ किसका है, बोलिए, जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है। आमेन। यानी कि परमेश्वर ने बता दिया कि धन दौलत पशु पक्षी मेरे नहीं है, उसके हैं, जो कुछ उसका है। यानी कि परमेश्वर बता रहा है कि इंसान का जो दौलत है ना, वो उस मेरे लिए नहीं है, मैं उस पर कोई अपने वो नहीं रखता, आप उसी के लिए भाग रहे हैं। देखिए परमेश्वर के लिए वो दौलत की कोई कीमत ही नहीं है। वो शैतान से क्या कह रहा है कि जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने चला गया, सिर्फ प्राण मेरा है। आमेन। जो कुछ उसका है, आज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी दौलत को, आपकी फैक्ट्री को, आपकी बस को, आपकी कार को नहीं देखता है। वो क्या देख रहा है, खरापन। वो क्या देख रहा है, सीधापन। वो देख रहा है परमेश्वर का भय इसमें है कि नहीं है। आमेन। हेलो, हम जितना भी कमा लें उसकी कोई वैल्यू नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। और यह बात अय्यूब समझ गया था। 21वां देखिए, 21वां, यह बात देखिए, इतना उसे, उसके बच्चे मर गए, उसके ऊंट खत्म हो गए, एक घंटे के अंदर अय्यूब तबाह हो गया। शैतान ने एक घंटे के अंदर उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी भेड़ बकरी ऊंट सब कुछ, बच्चे सब मार दिए, सब कुछ, उसका बिजनेस विद इन 1 आवर खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब कैसे रहा, सब कुछ खत्म होने के बाद, क्योंकि वो क्या कहता है, 21 का बढ़िया, 21 में, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। आमेन, हालेलुया। क्यों वो इस दुख में, इस परीक्षा में रह पाया, क्योंकि कभी भी उसने इन चीजों को अपना समझा ही नहीं। हेलो, क्या परमेश्वर बताना चाहता है, परमेश्वर ये नहीं मना नहीं करता कि आपके पास पैसा ना हो, आप दौलत नहीं कमा सकते, लेकिन दौलत को ही अपना मत समझिए। परीक्षा के समय जैसे ही परीक्षा आई, अय्यूब कहता है, मैं परमेश्वर, मैं जब नंगा पैदा हुआ था और नंगा ही चला जाऊंगा। आमेन। जिस दिन हम इस तरीके के सोचते हैं, जिस दिन हम ये सोचते हैं कि मेरा जो चीज है, मेरे पास कार है, ओके, लेकिन अगर चली गई तो कोई बात नहीं, मैं पैदल भी जा सकता हूं। मेरे संग यीशु रहना चाहिए, मेरे संग प्रभु रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का स्वभाव ही आपको आगे लेके जाएगा। अगर परमेश्वर का स्वभाव में आप नहीं हैं, तो आपको शैतान खत्म कर देगा, खत्म खत्म। आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आप जो भी धंधा करेंगे, आप समझते हैं कि आप धंधे में बढ़ते जाएंगे, आप ऐसे डिसीजन लेंगे जिस डिसीजन से आप फंस जाएंगे। शैतान ऐसे लालच में आपको फंसा देगा कि आप एक दिन सोचेंगे, अरे कहां फंस गया, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, फंस गया। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि से काम करिए। जब आप परमेश्वर की बुद्धि से काम करेंगे ना, तो क्योंकि परमेश्वर भविष्य को देखता है, शैतान के पास इतनी शक्ति नहीं है, वो आपको बेवकूफ बनाता है, वो आपको फंसाता है। यस, और आप लालच में आ जाते हैं,
आप लालच में आ जाते हैं। कोई भी काम करने से पहले हमें देखना है कि मेरे परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर के वचन है कि नहीं इस काम में। क्यों बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको आपके धंधे में बचाएगा भी और उन्नति भी देगा। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है, आज नहीं तो कल मैं आपको लिख के देता हूं, आप फंस जाएंगे और इतनी बुरी तरीके से आप फंसेंगे कि आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे। फिर आप पाप करने की सोचेंगे, फिर शैतान आपको डराएगा और सिचुएशन ऐसी खराब हो जाएगी कि आप पाप में पड़ जाएंगे। फिर शैतान हल्ला करेगा, फिर आपको अंदर शैतान एक भावना लेकर आएगा, अरे यार क्यों किया। शैतान बहुत गलत इंसान है, पहले उकसाता है और जब आप काम कर लेते हैं तो आपके अंदर भावना लेकर आता है, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, यार ये क्या कर दिया। फिर एक भावना लेकर आता, अरे कर दिया तो कर दिया, अब देखते हैं जो हो गया सो हो गया, क्या होगा देखेंगे, नरक जाएंगे ना चले जाएंगे, अरे आप कर ही लिया है तो चलो। शैतान सोच कर आपके अंदर ऐसी सोच, क्योंकि खत्म शैतान का मकसद है आपको नाश करना। वो तो भैया जब आप नरक में जाएंगे ना पता लगेगा। वो जो अमीर आदमी था जो लाजर को टुकड़े देता था, वो बता रहा है कि साहब एक लाजर को भेज कि साहब एक बूंद पानी मेरी जीवी जीप पर आ जाए तब आपको एहसास होगा न्याय के दिन। अरे यार अब मुझे जीवन भर ऐसे तड़पना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस समय सुना नहीं, क्योंकि कलीसिया में आपकी आंखें बंद थी, आपके कान बंद थे, आपको तो बस ऐश दिख रही थी, पैसा दिख रहा था, परमेश्वर के वचन पर आप कान नहीं दे रहे थे। यस, आज परमेश्वर के वचन पे कान दे देंगे तो स्वर्ग जाएंगे। आज अगर परमेश्वर के वचनों को अनसुना कर देंगे तो नरक जाएंगे। आपके ऊपर है। बाइबल कहती है यिर्मयाह 21:8 कि मैंने जीवन और मृत्यु तेरे लिए रखा हुआ है। पढ़िए यिर्मयाह 21:8 क्या कहता है, जल्दी पढ़िए। दिस ऑल अप टू यू, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। यिर्मयाह 21:8, इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें जीवन का मार्ग बताता हूँ और मृत्यु का मार्ग बताता हूँ। आगे, जो कोई इस नगर में रहे वो तलवार। एक मिनट बस, यानी कि परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु का मार्ग बता दिया, आपको कहाँ जाना है सब टू यू, वो बता रहा है, वो बता रहे आपको कहां जाना है। आमीन। परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है, परमेश्वर आपको बताना चाहता है, जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। अय्यूब समझ गया था, अय्यूब समझ गया था, आपके पास जो चीजें हैं, आपके पास जो दौलत है, आपके पास जो शरीर है, आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो कार है बंगला है, परमेश्वर के लिए उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्त, आपके बीवी बच्चों के लिए उसकी बहुत कीमत है। उसी की कीमत है और किसी चीज की कीमत नहीं है। आपके पैसे की कीमत किसके लिए है, आपके पड़ोसियों के लिए। देखिए अय्यूब का 19:14-19 के बीच में देखिए, अय्यूब 19, मेरे कुटुंबी मुझे आप देखिए, जब अय्यूब खत्म हो गया, जब अय्यूब के पास पैसा चला गया, उसके जानवर मर गए, उसके बच्चे मर गए, सब कुछ तबाह हो गया, देखिए वो क्या कहता है, पढ़िए बेटा। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। हाँ, अय्यूब का 19:14 हालेलुया। हाँ दोबारा पढ़िए, मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं
और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। आमीन। जैसे ही अय्यूब का पैसा गया, जैसे ही धन दौलत गया, क्या कहता है कि मेरे कुटुंबी, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ गए हैं और मेरे दोस्त मुझे भूल गए हैं। आगे, जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी है। मेरे नौकर भी मुझे अनजान समझते हैं जो मुझसे पैसा लेते थे। ये है आपकी जो दौलत है ना, उसकी ये कीमत है। ये सोचिए आप किसके पीछे भाग रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उस चीज की वैल्यू नहीं करता। अगला पढ़िए। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूं। हाँ, जब पैसा नहीं रहा तो उनकी दृष्टि में मैं कुछ भी नहीं हूं। आगे, जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता। हाँ, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मैं एक मालिक अपने दास के सामने गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। आप समझ रहे हैं, आपकी दौलत की कीमत समझ रहे हैं आप। उसने 10-20 साल आपका खाया होगा, 10-20 साल आपने उसको पगार दी होगी। आज आपके पास पगार देने के लिए पैसा नहीं है, आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा उसके पास। आप सोचिए, ये है इंसान। आगे बढ़िए। घर वाले उसकी बीवी क्या करती है? मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती मेरी है। मेरी स्त्री को और मेरे गंध मेरे भाइयों को दृष्टि में। आपकी बीवी को आपकी सांस बुरी लगने लगेगी, आपकी सांसें, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो। आमीन। आप समझ रहे हैं आप किसके पीछे भाग रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंसान समझता है, इसलिए भाग रहा कि नहीं यार, कम से कम और पैसा कमाऊं। आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, वो आपके पापा 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 आइए आइए, क्यों? बिकॉज आपके पास पैसा है। लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है? आपके खरेपन को। इसलिए वो अय्यूब का कहता है कि अय्यूब का उसने खरापन देखा, उसका सीधापन देखा। परमेश्वर की दृष्टि में आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो जानता है खत्म होने वाला है। इसलिए बाइबल कहती है मत्ती 6:24 में कि दो स्वामियों की सेवा मत करो, दो स्वामियों की सेवा मत करो। आपने कभी सोचा है? देखिए, परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। वो इसराइलियों को बचाने के लिए धरती पर उतर आया। मूसा को उसने फिरौन के पास भेजा, याद है आपको? प्रेज द लॉर्ड। अंत में क्या किया परमेश्वर ने? लाल समुद्र में फिरौन और उसकी सेना को मार दिया। सबको पता है? सबको पता है कि नहीं पता है? फिरौन और उसकी सेना को परमेश्वर ने लाल समुद्र में मार दिया। और जितने इसराइली से उनको कहा कि तुम जंगल में 3 दिन की यात्रा के साथ वहां पर रुको और मेरी उपासना करो। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए, क्या परमेश्वर मिस्र में ही फिरौन को नहीं मार सकता था? मिस्र में ही परमेश्वर फिरौन और उसकी सेना को मारकर अपने बंदों को, इब्रानियों को, इसराइलियों को, जो 25 लाख थे, पूरा मिस्र दे देता कि यहीं पर सारे घर बने हुए हैं, ये राजमहल है, यहां पर रैंच करो, एंजॉय करो, इन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया था, अब यहां तुम एंजॉय करो। क्या नहीं कर सकता था? कर सकता था ना। क्यों ले गया जंगल में? ताकि इब्रानी उसे जाने। शहर में रहते हुए आप परमेश्वर को नहीं जान सकते, आप नहीं जानते। इसलिए मूसा ने बार बार फिरौन से कहा कि हमें जंगल में 3 दिन की यात्रा पे जाने दे ताकि हम वहां जाकर उपासना करेंगे। यानी कि जंगल में 3 रात 3 दिन आप चलते हुए जाएंगे और एक ऐसी जगह आएगी जहां से आपको शहर नहीं दिखेगा, जहां पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, जहां से आप आए हैं वहां आपको प्रभु मिलेगा। प्रभु क्या चाहता है? आपसे मिलना। प्रभु आपको ऐसे वातावरण में लेकर आना चाहता है, प्रभु आपको इस तरीके से बनाना चाहता है,
ऐसी स्थिति में आपको रखना चाहता है जब आप उसे जाने। आमीन। इसलिए उसने कहा था व्यवस्था विवरण 8:2 में क्या लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 8:2, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आमीन। तीसरा, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। परमेश्वर आपको भूखा क्यों रखता है, ताकि आप उस रोटी की कीमत को समझें। प्रेज द लॉर्ड। आप उस रोटी की कीमत को समझें, कौन आपको रोटी दे रहा है। एक गर्भवती औरत जब उसका बच्चा जन्म होता है, 1-2 दिन का बच्चा होता है, वो उसे सिखाती है कि तुझे दूध कहाँ से पीना है, और जब वो छाती से उसको लगाना शुरू करती है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा उसी तरफ देखेगा, आपकी छाती पर ही हाथ मारेगा, उसे पता है कि मेरा दूध यहीं से आने वाला है। परमेश्वर बताना चाहता है कि आप उसके बच्चे हैं, आप जाने कि वो परमेश्वर कहां से रोटी दे रहा है, कौन है जो आपको पालेगा, कौन है। इसलिए उसने आपको भूखा रखा इसराइलियों को, और उसके बाद आपको मन्ना दिया ताकि आप उस स्वर्ग से बंध जाएं, आप परमेश्वर की आशीषों को समझने लगे, देखने लगे। आपके सामने से मिस्र निकाल दिया, जंगल में लेकर आया वो, ताकि आप पूरी तरीके से परमेश्वर को हो जाएं। उस जंगल में क्या धरती से पानी नहीं आ सकता था, क्या पत्थर से पानी पिलाया, चट्टान से पानी पिलाया। आमीन। परमेश्वर आपको अलौकिक आशीषों को देना चाहता है, अलौकिक आशीषें। योना 14:12 में उसने क्या कहा है कि तुम मुझसे ज्यादा बड़े बड़े काम करोगे, तुम मुझसे ज्यादा बड़े बड़े काम करोगे। कब करोगे आप, जब आप उन चीजों को समझने लगोगे। योहन्ना 14:12 में क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। आमीन। वो काम वो भी करेगा और उससे बड़े बड़े करेगा काम, क्योंकि आप उस चीज को परमेश्वर चाहता है समझें, आप समझें। इफिसियों 4, इफिसियों 2, 5 और 6, 5, 6, 7 पढ़िए। इफिशियन, देखिए आप कहाँ हैं, आपकी स्थिति कहाँ है, कितने लोग जानते हैं आपकी स्थिति कहाँ पर है, कोई है यहाँ पर जानते हैं आपकी आत्मिक आत्मे की स्थिति कहाँ क्या है। पढ़िए, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु के उस और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। इस समय यीशु मसीह कहां पर है, परमेश्वर के दाहिनी ओर, कहां पर है, और हम लोग कौन है, हम लोग कहां पर है, यीशु मसीह के दाहिनी ओर। आपको पता है आप आत्मा में कहां पर है, बैठा दिया है उसने, जैसे आपका उद्धार हुआ है आप कहां पर हैं, स्वर्ग में यीशु मसीह के बराबर में आपकी कुर्सी लगी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आप कहां बैठे हुए हैं,
स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ और धरती पर आपको दे दिया है पवित्र आत्मा, उसने अपना आत्मा धरती पर दे दिया है। अब धरती पर रहते हुए जब आप आत्मिक जीवन जिएंगे तो स्वर्ग में जो आपकी आत्मिक आशीषें हैं जो आपको मिल चुकी हैं उनको आप धरती पर यूज करेंगे। आप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि आप धरती पर शारीरिक जीवन जी रहे हैं, आप आत्मा में जी नहीं रहे। जब आप आत्मा में जी नहीं रहे तो उन आत्मिक आशीषों को आप समझ नहीं रहे हैं। जब आप आत्मिक जीवन जीना धरती पर शुरू कर देंगे, आपकी आत्मा आशीषों से भरी हुई जो यीशु मसीह के दाहिनी ओर बैठी हुई है और जिसको आशीष मिल चुका है, वो सारी आशीषों को आप समझने लगेंगे, आप महसूस करने लगेंगे और वो आशीषें आपकी धरती पर आपके जीवन में काम आएंगी। अब चूंकि आप धरती पर शारीरिक जीवन जी रहे हैं, मेरा तेरा इधर नफरत ये वो वही काम कर रहे हैं जो पहले था, वही काम कर रहे हैं और कोई काम दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ मंदिर नहीं जाते हैं, चर्च में आ गए बस। चर्च की तरह जीना आपने नहीं सीखा, यीशु मसीह की तरह जीना। जब तक आप यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर नहीं लाएंगे, आप वो आत्मिक आशीषों को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, चर्च आना आपकी ड्यूटी है कि चलो यार पता लग गया है कि चर्च जाएंगे तो स्वर्ग जाना जाएंगे और रैप्चर में जाना पड़ेगा, चलो चर्च चलते हैं बस। संडे के संडे अपने 2 घंटे दे दिए बहुत है, दुनिया को भी पता है कि हम चर्च जाते हैं, चाहे अंदर कुछ भी काम करें हम चर्च जाते हैं। यस, अगर आप वैसा स्वभाव नहीं रखेंगे, आपकी संगति वैसी नहीं है, संडे के संडे आप चर्च में हैं वो भी प्रभु के वचन सुनते हैं, नीचे जाते ही वो वचन अंदर से निकल जाते हैं और घर जाते ही संसार सामने बिछा हुआ है, इधर की बातें उधर की बातें, इसकी चुगली उसकी चुगली, ये बुरा है वो बुरा है, आज चर्च में ये हुआ। अरे नहीं नहीं, मुझे पास में औरत बैठी थी, देखा था उसका ध्यान सिर्फ फोन पे जा रहा था। अरे उसका ध्यान तो फोन पे जा रहा था, तेरा ध्यान उसकी तरफ क्यों जा रहा था? नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बहन मेरे भाई, यीशु मसीह के आने का समय बहुत नजदीक है। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे आप नहीं पाएंगे। हमें रोज बीज बोना है, हमें रोज बीज बोना है। हालेलुया। अगर हम उस बीज को नहीं बोएंगे, पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, उन 9 वरदानों के फलों को अपने अंदर लेके उसके बीज को बोना है एक दूसरे के अंदर, तभी वो आपका जो फल है जो अंदर बीज है वो फलवंत होगा। आपने पवित्र आत्मा के 9 फल ले लिए और आप बो नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बो रहे हैं? क्योंकि आप प्रेम नहीं दिखा रहे हैं, आपके जीवन में प्रेम नहीं है दूसरों के लिए। जब प्रेम नहीं है तो शांति जीवन में नहीं है, जब शांति नहीं है तो आप उस चीज का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, विश्वास नहीं है, संयम नहीं है, धीरज नहीं है। जरा सी बातों में आप उखड़ जाते हैं, जरा सी बातें आपको तंग करने लगती हैं, क्योंकि आपने वो बीज बोया नहीं। फल कब कटेगा? जब आप बोएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में फल कब कटेगा? जब आप बोएंगे। जब आप बीज ही नहीं बोएंगे कैसे फल कटेगा? कैसे उम्मीद करेंगे आप कि आपके जीवन में फसल हो? बीज तो आपने बोया नहीं है, कैसे होगा? नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा क्यों दिया है? ताकि हम बीज बोएं, दूसरों के जीवन में बीज बोएं। बीज बोने हमें दूसरों के जीवन में।
Praise the Lord. रूथ एक लड़की थी जो नयोमी की बहू थी और नयोमी अपने पति के साथ मोआब चली गई थी क्योंकि बैतलम में अकाल आ गया था और नयोमी ने वहां जाकर दो मोआबी स्त्रियों से अपने दोनों बच्चों की शादी करवाई। 10 साल तक वो स्त्रियां उनके साथ रहीं, उनके कोई बच्चा नहीं हुआ और दोनों पुत्र उसके मर गए, ओरपा और रूथ। ओरपा को उसने मना किया, उन दोनों को मना किया नयोमी ने, लेकिन ओरपा चली गई और रूथ ने विश्वास किया और उसने एक्सेप्ट किया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, जहाँ तू जाएगी मैं वहीं जाऊँगी। आमीन। रूथ ने परमेश्वर को स्वीकार किया। हेलो, क्या किया? परमेश्वर को। रूथ ने परमेश्वर को स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? आप कैसे स्वीकार करते हैं? आपने परमेश्वर को कैसे स्वीकार किया? अगर आप में परमेश्वर का स्वभाव नहीं है तो इसका मतलब आपने परमेश्वर को नहीं स्वीकार किया। बाइबल कहती है कि जैसे ही हमने बपतिस्मा लिया हमने यीशु को पहन लिया। हमने क्या किया? यीशु को पहन लिया, यानी कि यीशु का स्वभाव मुझ में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने यीशु को पहन लिया तो यीशु का स्वभाव आप में है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि आपने परमेश्वर को कैसे स्वीकार किया अगर उसका स्वभाव ही आपके पास नहीं है? क्या मैंने नाम के मात्र तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया लेकिन मेरा स्वभाव ही उसके पास नहीं है? ना मैं दीन हूं, ना मैं नम्र हूं, ना मेरे अंदर प्रेम है, ना दया है, ना शांति है, ना आनंद है, ना सहनशीलता है। मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव होना जरूरी है। प्रभु क्या चाहता है? कि उसका स्वभाव हम में आए। इसलिए फिलिपियों 2:5 कहता है कि यीशु जैसा स्वभाव अपने अंदर लाओ। यीशु जैसा स्वभाव। रूथ ने परमेश्वर को स्वीकार ही नहीं किया, रूथ ने परमेश्वर के स्वभाव को अपना लिया। बोली रूथ ने परमेश्वर के, यहोवा के, यीशु के स्वभाव को अपना लिया। अगर आप रूथ की किताब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि जैसे ही अपने पति को खोने के बाद, सब कुछ गंवाने के बाद, रूथ जब अपनी सास के साथ, नयोमी के साथ बैतलम में आई, उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास। वो सास बहू दोनों अकेली थी। रूथ को नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। और बाइबल बताती है कि रूथ एक अच्छे खानदान से थी। मुआबियों में उसका एक परिवार था, अच्छा परिवार था, उसके माँ बाप थे, जहाँ वो जा सकती थी, अपना जीवन बिता सकती थी। और उसकी सास ने कहा था कि जाओ बेटा शादी कर लो दूसरी, उसने उसको परमिशन भी दे दी थी, लेकिन रूथ नहीं गई। ध्यान से समझने की कोशिश करिए मेरी बहन मेरे भाई, रूथ नहीं गई क्योंकि रूथ ने क्या कहा था? कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू जाएगी मैं वहां रहूंगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और रूथ अपनी सास के संग बैतलम में पहुंची। आमीन। और अगले ही दिन रूथ काम पर निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समझता हूं वो पढ़ी लिखी थी, अच्छे घर की थी। जब अच्छे घर की थी तो पढ़ी लिखी होगी। वो पूछ सकती थी अपने नयोमी से, सास से,
कि यहाँ कोई स्कूल है जहाँ मैं टीचर लग सकती हूँ, यहाँ कोई काम करने के लिए और सिलाई की शॉप है जहाँ मैं सिलाई कर सकती हूँ, या बहुत से काम हैं, या कोई और काम कर सकती हूँ। पढ़ी लिखी थी वो लड़की, लेकिन उसने परमेश्वर पर छोड़ा, क्योंकि उसने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया था। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं तो उसका स्वभाव हम में आ जाता है, और उसका स्वभाव हमें अपने जीवन को चलाने में सहायक होता है। आमीन। अगर आप परमेश्वर के स्वभाव से अपने जीवन को चलाएंगे ना, तो परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ बहेगा। रूत के साथ, रूत के अंदर परमेश्वर का स्वभाव था। वो दीनता और नम्रता के साथ अपने घर से निकली। उसने तय कर लिया कि मैं छोटे से छोटा काम करूंगी जहां से मुझे रोटी मिल जाए, और वो एक खेत में चली गई। उसे नहीं पता था वो किस खेत में जा रही है, जिस खेत की वो मालिकिन होने वाली है उस खेत में वो सिला चुनने के लिए गई। सिल्ला चुनना यानी कि समझते हैं, जब आप लोग फसल काटते हैं और बालें जो होती हैं उसका जो तोड़ होता है, वो जो जमीन पर गिर जाता है, उसको वो लोग चुन रहे थे। वो बहुत ही गरीब लोग होते हैं जो उसको चुनते हैं और उसको जाकर खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब सोचिए कि रूथ के पास कुछ भी नहीं था, उसको नहीं पता था वो कहां जा रही है, उसको नहीं पता था वो क्या करने जा रही है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर का स्वभाव था, इसलिए वो दीनता के साथ परमेश्वर को अपना सर्वस्व मानते हुए परमेश्वर की अगुवाई में वो चलती गई, और परमेश्वर ने उसे एक ऐसे खेत में पहुंचा दिया जहां पर परमेश्वर का आशीष उसके साथ था, उसका इंतजार कर रहा था। आमीन, आमीन। क्या देख रहा था परमेश्वर अय्यूब में? सीधाईपन, खरापन, कि मैंने अय्यूब में खरापन देखा है। मेरा अय्यूब डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब अपने जीवन में परमेश्वर के भय से काम करेंगे, परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि आपके जीवन में काम करेगी। आप परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है, नीति वचन 1:7। जब आप परमेश्वर के भय के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में काम करेगी, आपके धंधे पर काम करेगी, आपकी नौकरी पर काम करेगी। यहोवा का, परमेश्वर का भय, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, युद्धि का मूल है, बुद्धि का आधार है परमेश्वर का भय मानना। कोई भी काम करना परमेश्वर के अनुसार बुद्धि का मूल है। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो रूत ने क्या, परमेश्वर के स्वभाव को अपना लिया था। Praise the Lord। जब भी आप देखिए, परमेश्वर आप में अपने स्वभाव को देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? जब भी वो आपको देखता है तो आप में यीशु को देखता है। आपको पता है वो आप में किसे देखता है? आपके अंदर वो यीशु को देखता है। अगर यीशु आपके अंदर है, वो आपको अपना पुत्र मानता है। अगर यीशु आपके अंदर नहीं है, इसलिए याद रखिए, अपने अंदर यीशु को बना के रखिए। मेरे अंदर यीशु रहना चाहिए। इसलिए ये प्रभु भोज जो आपने लिया है, ये प्रभु भोज हमें सिखाता है, बताता है और आज्ञा देता है कि जब भी तुम इस रोटी को लो तो मुझे याद करो, जब इस दाखरस को लो तो तुम उस वाचा में बन जाएंगे कि तुम, जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम मेरा प्रचार करोगे मेरी मौत का। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव ही आपको आगे लेके जाता है, परमेश्वर का स्वभाव ही आपको ऊंचा उठाता है, और परमेश्वर का स्वभाव ही आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। इसलिए कोशिश ये मत करिए कि मेरे पास क्या है, अपने आप को धनवान बनाने की कोशिश मत करिए। आप परमेश्वर के साथ रहिए, अपने आप धनवान बन जाएंगे, अपने आप। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं जीता जागता सबूत हूँ। मैंने कभी भी जिंदगी में धन कमाने की कोशिश नहीं की, लेकिन परमेश्वर का अद्भुत आशीष है, धन मेरे पीछे पीछे आता है। कभी भी धन के पीछे मैं नहीं भागा, मैं परमेश्वर के पीछे। जो परमेश्वर कहता है हमें उसके अनुसार चलना है। आप चलकर देखिए, आप सोच नहीं सकते हैं कि परमेश्वर आपको कैसे लेकर जाएगा। इसलिए अय्यूब जो था, परीक्षा में होने के बावजूद भी वो व्याकुल नहीं हुआ, उसने निंदा नहीं की परमेश्वर की, उसने निंदा नहीं की, उसने कहा परमेश्वर आएगा, एक दिन मैं परमेश्वर को देखूंगा। 19:5, 19:25, अय्यूब 19:25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब आप परमेश्वर के स्वभाव में होंगे ना, तो आप उस सामर्थ्य को महसूस करेंगे अपने जीवन में। चाहे आप परीक्षा में पड़े हो, चाहे कितना भी नुकसान हो, चाहे आप गड्ढे में हो, लेकिन वहां भी महसूस करेंगे कि मुझे निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो आएगा, वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। ये सब कुछ कब होगा? जब परमेश्वर का स्वभाव आप में होगा। इसलिए धन कमाने की कोशिश मत करिए, परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर बनाने की कोशिश करिए। मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव रहे। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब ने वही किया, और यही परमेश्वर ने अय्यूब में देखा। हालेलुया। आज का वचन आपने ग्रहण किया? Yes. परमेश्वर का आशीष आपके साथ है। हालेलुया। जो जूम मीटिंग में देख रहे हैं उनके लिए परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। गॉड ब्लेस।